गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका सोमनाथ कलचेटी सर, ड्राइंग सर। आज हम यह पेंटिंग सीखने वाले हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? सीनरी है, लेकिन किस तरह कलर किया है? ये स्ट्रोक्स दिख रहे हैं। किसके स्ट्रोक्स है? ये स्ट्रोक्स है पेपर कटिंग के लिए। हम जो कटर यूज करते हैं, पेपर कटर, उसको कलर लगा कर यहाँ पर सिंगल शॉट स्ट्रोक्स हमने ले लिया है। यह कैसा करना है अब हम सीखने वाले हैं। हाँ तो बच्चों, ब्रश से पहले सबसे पहले डिश में कलर डाल दो। डिश में कलर डालने के बाद थोड़ा सा वाटर मिक्स करना है, थोड़ा सा, दो ड्रॉप, और मिक्स करके ये पेपर कटर लेना है हमें। पेपर कटर, इसको कलर लगाना है, कलर में डुबो देना है। और ज़्यादा पतला कलर होना भी नहीं चाहिए, और ज़्यादा डार्क ज़्यादा थिक कलर होना नहीं चाहिए, मीडियम कलर टोन होना चाहिए। अभी कलर करना मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लेट्स सी। अच्छे शॉर्ट स्ट्रोक्स लेने हैं, तीन चार स्ट्रोक्स बैठ सकते हैं। लाइट कलर आने के बाद फिर कलर लेना है, डुबो देना है, फिर तीन चार स्ट्रोक्स हमें ऐसे दे देने हैं। ओके, फिर डुबो देना है और तीन चार स्ट्रोक्स हमें दे देने हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा, येलो कलर इसी डार्क ग्रीन में मिक्स करूँगा, लाइक दिस साइड में मिक्स करूँगा। अभी इसके स्ट्रोक्स मैं खींचने स्टार्ट करूँगा। लेट्स सी, इसके ऊपर ही दिया तो भी चलेगा। आ रहा है ना, इस तरह करने हैं, अच्छा दिख रहा है। ज्यादातर के सभी स्क्वेयर साइज के स्ट्रोक्स आने चाहिए, तो फिर वो ब्यूटीफुल दिखेगा। ओके बच्चों, यहाँ पर लेक है या फिर रिवर जैसा है। रिवर के लिए पानी के इफेक्ट आने के लिए हमें क्या करना है, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू व्हाइट मिक्स करके, ब्लू में व्हाइट मिक्स करके लाइट ब्लू का इफेक्ट आप ला सकते हैं। वे दोनों यूज करके, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू यूज करके यहाँ पर ऐसे ही स्ट्रोक्स दे देने हैं। यहाँ पर क्या करना है, ग्रीनरी मीन्स येलो पैरेट ग्रीन के या फिर येलो के स्ट्रोक्स हमें यहाँ पर देना है। यहाँ पर डार्क ग्रीन के स्ट्रोक देना है या फिर सैप, यहाँ पर डार्क ग्रीन के स्ट्रोक्स देने हैं या फिर सैप ग्रीन के स्ट्रोक्स देने हैं। यहाँ पर क्या आएगा, येलो के स्ट्रोक्स दे सकते हैं। यहाँ पर लाइट स्काई ब्लू के स्ट्रोक्स आप दे सकते हैं। ओके, इस तरह कंप्लीट होने के बाद पिक्चर किस तरह दिखेगा यह देख लीजिएगा। पिक्चर पूरा कंप्लीट होने के बाद इस तरह दिखेगा। ओके, आपको प्रैक्टिस करना है बच्चों। ओके, थैंक यू।